हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी क्लासेस में। आज आपके लिए लेके आए एजुकेशन न्यूज़ में बहुत ही खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए जो दिल्ली पुलिस वैकेंसी का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी दोस्तों, दिल्ली पुलिस वैकेंसी आ चुकी है। और ये किस प्रकार है, क्या है, ये दिल्ली पुलिस ने अभी नोटिस जारी किया है और जो कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे उन सब के बारे में हम अभी इस नोटिस में पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पोस्ट है और क्या क्या चाहिए इसमें, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, वो सब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे दिल्ली पुलिस साइट पे निकाला हुआ एक नोटिस है जो कि दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। ये देखिए यहाँ लिखा है नोटिस, और ये जो नोटिस है वो दोस्तों किसके लिए, वो है दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के लिए। देख लीजिए लिखा हुआ, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2019। 2019 ये नया अभी भी हुआ है और ये आज ही ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है। अब जो इसके बारे में दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से मैंने ये नोटिस निकाला है, आप भी यहाँ जाके इसको चेक कर सकते हो। और इसकी जो ओपनिंग डेट है, यानी जब से ये भरे जाएंगे फॉर्म, वो है 1 अक्टूबर, और जो क्लोजिंग डेट है वो 30 अक्टूबर, यानी पूरा पूरा 1 महीना रहेगा। तो अभी तो ये नोटिस जारी हुआ है लेकिन फॉर्म चालू स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो इसका लिंक एक्टिवेट है वो 1/10/2019 को होगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, नोटिस में कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं वो सब देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, नेम ऑफ पोस्ट, यानी किस चीज़ की पोस्ट है, तो जो पोस्ट है वो है हेड कॉन्स्टेबल की, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल एंड मिनिस्टर। इसमें मेल के लिए भी वैकेंसी है और फीमेल के लिए भी वैकेंसी है। तो दोस्तों मेल के लिए जो टोटल वैकेंसी हुआ है 372, और फीमेल के लिए जो 182 वैकेंसी है, और जो टोटल दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है वह 554 वैकेंसी है। और इसमें अलग अलग दिखाया गया है कि जो किन के लिए कितनी है। जनरल के लिए जो है वो मेल में हेड कांस्टेबल की 140 है और फीमेल में 69 है, और EWS में 37 है और फीमेल में 18 है। इसी प्रकार OBC में मेल के लिए 86 है और OBC में फीमेल के लिए 42 है, और SC में 56 है और SC में फीमेल के लिए 27 है, ST में 53 है और ST में फीमेल के लिए 26 है। इस प्रकार है जो टोटल वैकेंसी दिखाई गई है, आप यहाँ इसमें देख सकते हो किस प्रकार है। और अगर आपको नोटिस डाउनलोड करना है तो आप, मैंने अभी बताया आपको, ऊपर दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, ये रही, इस वेबसाइट पे आप जाके नोटिस डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ आप पूरी जानकारी पता कर सकते हो। और यहाँ देखिए, जनरल के लिए टोटल पोस्ट 209 है फीमेल और मेल दोनों के लिए, और EWS के लिए 55 है, OBC के लिए 128 है, SC के लिए 83 है और ST के लिए 79 है। और बाकी जो रिजर्वेशन वो सब है ही है कि 10% वैकेंसी रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए, इस प्रकार ये सारी है। अब चलते हैं दोस्तों इसमें एज, यानी कि आयु, आयु के बारे में बात करते हैं, कितनी इसमें एज होनी चाहिए, क्या इसमें आयु रखी गई है। तो दोस्तों जो एज होनी चाहिए वो पहली बात तो 1/7/2019 तक की जो एज है ना वो गणना की जाएगी, यानी 1/7/2019 जो है वहाँ तक की होगी। और इसमें जो एज रखी हुई है 18 से 25, यानी 18 to 25 ईयर्स, और ये है जनरल और EWS वालों के लिए। बाकी जो इसमें छूट दी जाती है सभी वैकेंसी, इस प्रकार इसमें भी छूट है, OBC के लिए 28 ईयर्स है, SC ST के लिए 30 ईयर्स है, और जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है दोस्तों, यानी जो विकलांग होते हैं उनके लिए 35 है जनरल EWS के लिए, और OBC के लिए 38 है और SC ST के लिए 40 ईयर्स है। ये उनके लिए है जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए। इसमें स्पोर्ट्समैन के लिए भी अलग से है, स्पोर्ट्समैन के लिए जनरल OBC के लिए 30 ईयर्स है और बाकी SC ST के लिए 35 ईयर्स है। अब चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, आगे चलते हैं तो आगे जो दिया हुआ है वो देख लीजिए क्या लिखा है। ये लिखा है कि पेमेंट टू डिजाइंड ब्रांच ऑफ SBI विद इन द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक अप टू 1/11/2019 प्रोवाइड द चालान एज बीन जनरेटेड बाय द बिफोर 5 PM टू 30/10/2019। यहाँ दोस्तों ये थोड़ी सी इनकी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 1/10 होना चाहिए, ये दिल्ली पुलिस के नोटिस में मिस प्रिंटिंग है, यानी इसमें लिखा है 1/10/2019 या
30 10 2019 के बीच जो है अपना पेमेंट कर सकते हो, यानी फॉर्म को भर सकते हो और पेमेंट को भर सकते हो। अब इसमें जो लिखा है, नोट करके लिखा है कि द कैंडिडेट विल अपलोड क्लियर स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम फॉर द रिक्वायरमेंट। यानी आप जो भी कॉपीज, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उनकी एकदम क्लियर स्कैन कॉपीज जो है आपको डॉक्यूमेंट है वो इसमें डिपॉजिट यानी जमा करने हैं। चलते हैं आगे की तरफ। आगे ये दिया गया एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो इसमें जो एप्लीकेशन फी है वो दी गई है, किस प्रकार पेमेंट करना है। तो जो मोड ऑफ पेमेंट है वो दोस्तों ऑनलाइन है और SBI चालान ऑफलाइन भी है। प्लस इसमें जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। बाकी आपको जिस दिन 1 तारीख से जब ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको पूरी डिटेल फिर से बता दी जाएगी कि कितने रुपए किसके लिए, जनरल OBC के लिए कितने, SC ST के लिए कितने, वो सारा सब कुछ बता दिया जाएगा। और चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो मैंने आपको बता दिया एज जो लिमिट है उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। और ये जो एज 18 से 25 जनरल OBC के लिए है, और ये जो छूट मिलती है वो भी कैटेगरी के अनुसार तो उनके लिए दी गई है। जैसे SC ST को 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, जो कि हम ऊपर बात कर चुके हैं वही सब है। चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10+2, यानी कि जो 12वीं पास है उनके लिए ये भर्ती है। जो 12वीं पास है वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। ओनली जो 12वीं पास है, ये नहीं कि 12वीं पास दिया है तो जो ऊपर ग्रेजुएशन वाले वो नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम ग्रेड है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10+2, यानी कि 12वीं पास। चलते हैं आगे की तरफ। आगे दिया गया जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, यानी इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट और मांगी है, वो क्या है कि टाइपिंग आनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में तो आनी चाहिए, 30 WPM यानी कि 30 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी में है वो आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। यानी कि ये दोनों जरूरी है, उनमें से एक ही आपके पास हो तो चलेगा। चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो दिया गया फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो इसके टेस्ट होगा फिजिकल, और वो ओनली क्वालिफाइंग के लिए आएगा, इसका आपके पास नंबर नहीं जुड़ेगा। तो जो इसमें दिया हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए अलग से है और फीमेल के लिए अलग से है। तो जो मेल के लिए है फिजिकल वो इस प्रकार है कि जो जिनकी एज up to 30 years है, ठीक है, उनके लिए तो जो है रेस होगी 1600 मीटर की रेस होगी, और वो आपको 7 मिनट के अंदर अंदर करनी होगी, और उस प्रकार से आपको, और इसको ओनली इसके नंबर नहीं जुड़े जाएंगे दोस्तों। ये पहले मैंने आपको बता दिया, यहाँ देखिए लिखा है ओनली क्वालिफाइंग, यानी इसको ओनली आपको पास करना है, इसमें ना नंबर जुड़ेंगे ना कुछ। इसमें लॉन्ग जंप होगी 12 फुट 6 इंच की, और हाई जंप होगी 3 फुट 6 इंच की, और फिर एज के अनुसार है, उनके लिए अलग अलग है, 40 साल तक है उनके लिए टाइम 9 मिनट दिया गया, इनके लिए 8 मिनट दिया गया। लॉन्ग जंप में भी अंतर है, हाई जंप में भी अंतर है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग से है, उनमें भी 30 साल के लिए अलग है, 30 से 40 के लिए अलग है, 40 साल के लिए अलग है। और जो इनकी रेस होगी दोस्तों वो मेल से हाफ होगी, यानी कि मेल की जो कितनी होगी 1600 मीटर होगी, और इनकी जो होगी 800 मीटर होगी, बल्कि टाइम सेम सा ही है, क्योंकि जो महिलाएं होती है, जो छात्राएं होती हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा अच्छी होता है, इसलिए जो 800 मीटर है उनमें जो नॉर्मल रखी गई वो 5 मिनट रखी गई है। 800 मीटर की रेस है उसमें 5 मिनट का समय है। लॉन्ग जंप है इसमें वो भी कम ही रखा गया है, 9 फीट रखा गया है, और हाई जंप 3 फीट रखा गया है, और बाकी एज के अनुसार अलग अलग है, आप इसको देख सकते हो। बाकी आपको ये नोटिस चाहिए तो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ आ जाके आप एक एक चीज़ और देख सकते हो। अब चलते हैं आगे की तरफ। जो आगे की तरफ चलते हैं तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी फिजिकल क्या क्या होना चाहिए। तो मेल के लिए जो है वो हाइट बोली गई है दोस्तों, मेल की जो हाइट है वो कितनी है, वो 165 सेंटीमीटर है प्लस 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल, यानी कि जो अलग अलग जैसे कि ये दिखाया है, रेसिडेंट ऑफ हिल एरियाज, ग्रावलीज, कुमान, गोरखाज, डोगराज, मराठा, कैंडिडेट बिलोंग स्टेट, उनके लिए, बाकी नागालैंड उन सब के लिए भी रिलेक्शन भी है, ST कैंडिडेट्स के भी रिलेक्शन है। बाकी जो नॉर्मल रखी गई है वो 165 यानी 165 सेंटीमीटर रखी गई है। जो चेस्ट है यानी जो छाती है वो 78 रखी गई, 78 से 82 के बीच है, और बाकी आपको मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन है इसमें।
चलते हैं आगे की तरफ। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए दोस्तों जो हाइट है वो 157 यानी 157 सेंटीमीटर रखी गई है। तो हाइट तो लगभग सभी की पूरी होगी क्योंकि ज़्यादा हाइट नहीं मांगी गई इसमें, क्योंकि कांस्टेबल के मुकाबले जो कांस्टेबल है जो मांगी जाती है वो 170 मांगी जाती है, इसमें 165 है। हेड कॉन्स्टेबल का ये जो है एग्ज़ाम होगा इसलिए इसमें 165 भी मांगी है, तो जो नॉर्मल सभी की होती है। और फीमेल के लिए तो 157 ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब चलते आगे मेडिकल की तरफ, तो इसमें जो होगा मेडिकल होगा लगभग जो सबका होता है उसी प्रकार से इसमें होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा उनसे कांस्टेबल के मुकाबले थोड़ा इसमें डिफरेंट होगा। जैसे लिखा है इसमें द कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि उसकी हेल्थ एकदम बढ़िया होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई शरीर में बीमारी किसी प्रकार की जैसे डिफॉर्मिटी अथवा डिसीज नहीं होनी चाहिए। और जो रिक्वायर्ड विजन है यानी कि जो आँख का जो होगा दोस्तों वो 6x12 है विद, ठीक है, अथवा विदाउट ग्लासेज फॉर बोथ आइज, यानी कि विदाउट या विद दोनों के चल सकता है इसमें। इसमें देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, द रिक्वायर्ड विजन इज 6x12 विद अथवा विदाउट, यानी कि आपके पास ग्लास भी लगे हैं आपकी आँखों में, चश्मा लगा है तो भी 6x12 होनी चाहिए चश्मे में, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। तो और इसमें कोई किसी प्रकार का नो रिलेक्शन यानी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं किसी प्रकार की कोई कैटेगरी के लिए कि एससी के लिए आँख ज़्यादा होनी चाहिए कम विजन होना चाहिए, वो किसी प्रकार इसमें छूट नहीं है, जो इसमें सेम है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। हाँ, इसमें एक PWD के लिए अलग से है जो इसमें है, 40% डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए थोड़ी छूट है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे ये सब दिए हुए हैं नॉर्मल बातें जो आपको पढ़नी है तो मैंने बता दिया, डाउनलोड करके कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर चुके हैं, नॉर्मल 100 रुपीज़ रखी गई है, बाकी आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं। और आपको 1 तारीख जब ये लिंक एक्टिवेटेड हो जाएगा उस टाइम आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर एज के बारे में, OBC कैटेगरी के बारे में आपको बता चुका हूँ, कितनी वैकेंसी है कितनी क्या है सब कुछ वही सब है उन्हीं के बारे में है। अब जो है इसमें स्पोर्ट्समैन के लिए जो मैंने आपको बात की थी ऊपर, तो ये इतने गेम्स है इतने जो है स्पोर्ट्स है जो एज के लिए जो ऊपर दिया गया था रिलेक्शन, इसमें वैकेंसी नहीं है अलग से स्पोर्ट्समैन के लिए, लेकिन जो एज है उसके अंदर आपको छूट मिल सकती है अगर आप स्पोर्ट्समैन हो। और इसमें जो स्पोर्ट्समैन है ये आर्चरी साइकिलिंग कबड्डी टेनिस ये सारे बहुत सारे खेल हैं जो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये सारे के सारे जितने भी ये स्पोर्ट्स हैं इन सब में एज रिलेक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप स्पोर्ट्समैन हो। तो चलते हैं दोस्तों आगे की सब। आगे जो दिया गया है आगे यहाँ कुछ नहीं है, दर में पर्सनल ये एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। अब जो दोस्त दिया गया मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट यानी जो प्रोसेसिंग होगी जो वो किस प्रकार होगी, इसमें जो प्रोसेसिंग है सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों टाइपिंग टेस्ट दूसरा है और कंप्यूटर टेस्ट दूसरा है, ये दोनों अलग होंगे, लेकिन इसमें ये है कि जो ये फिजिकल आपका इसके आपको कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ओनली इसको आपको क्या है क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कंप्यूटर टेस्ट है इसको भी आपको ओनली क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये आपका 100 मार्क का होगा यानी कि 100 नंबर का होगा, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 25 यानी 25 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका जो टोटल टेस्ट एंड टोटल एग्जाम का जो नंबर वो कितने का हो गया 125 का, यानी 125 में से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो 125 नंबर में से आपको निकलेगा। अब जो दिए गए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तो सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और जो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो आपका सिलेबस रखा गया है वो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी और पार्ट ई अलग अलग है। पार्ट जो ए है उसमें जनरल अवेयरनेस है, पार्ट बी है उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि आपकी जो मेथ है वो है, सी में जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग है, डी में इंग्लिश भी है दोस्तों इसमें, वो भी ओनली बेसिक नॉलेज है, देखिए दोस्तों इंग्लिश कोई ज़्यादा आई नहीं है। और जो कंप्यूटर टेस्ट है वो इस प्रकार है, इनके आपको नंबर दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन आएगा मैथ के, 20 जो है इसके मैथ के, 20 जीए के, 20 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के और 25 रीजनिंग के। जो 20 मैथ के होंगे 20 जीए होंगे 25 रीजनिंग के और 25 इंग्लिश के।
और 10 नंबर आपको कंप्यूटर के होंगे, जिसमें ये एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इन सब के बारे में, इंटरनेट के बारे में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाएंगे। हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, तो इस प्रकार ये टोटल कितने हो गए, 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। और टाइम इसके लिए आपको 90 मिनट का दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपका मैंने पूरा बता दिया आपको किस प्रकार होगा, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है। और अगर आपको सिलेबस को अच्छी तरह से जानना है तो आप इस नोटिस को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसमें जैसे जीए में क्या क्या आएगा वो सारा इसमें दिया हुआ है, मैथ में क्या क्या आएगा वो भी सब कुछ दिया हुआ है, और रीजनिंग में क्या क्या है वो भी सब आपको इसमें दिया गया है, और जो इंग्लिश है उसमें क्या सब क्या क्या सब्जेक्ट कौन से टॉपिक आएंगे, कंप्यूटर में किस प्रकार का टॉपिक आया, वो सारा सब कुछ इसमें दिया गया। अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपको इसके बाद आप अगर रिक्वायर करते हैं, आप कमेंट में लिखते हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ओनली एक सिलेबस के बारे में सारी डिटेल दी जाएगी, किस जो है मैथ में से कौन सा टॉपिक आएगा, किस में से क्या टॉपिक आएगा, जैसे अब इसमें दिया हुआ है पावर पॉइंट में क्या क्या पूछा जा सकता है, एमएस एक्सेल में किस प्रकार होगा, और जो फाइनल रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया 125 नंबर में से होगा, 125 यानी 100 तो जो एग्ज़ाम होगा उसका, और 25 जो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट उसमें, और उसके अनुसार आपका जो है सेलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। तो ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का आपका नोटिस जारी हो चुका है, आप दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, और आप जिसने नहीं कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाए दोस्तों। और जो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो ओपनिंग डेट है इसकी 1/10/2019 से होगी, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है यानी एक महीने बाद 30 दिन बाद 30/10/2019 को होगी। अगर आपको ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करना है तो आप यहाँ दिल्ली की ऑफिशियल दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।